नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि बहुत बड़ा गहरा सदमा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कानों में सुना यकीन नहीं होगा, इसलिए वृश्चिक राशि वालों, वीडियो में बताई गई एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह समय अभी तक चुनौतियों से भरा, परेशानियों से भरा था, लेकिन अब आने वाले अगले 3 दिनों में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, बाबा काल भैरव और माता भद्रकाली जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में अगले इन 3 दिनों के अंदर 4 चांद लग जाएगी। जी हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही है, और ये घटना हर हाल में होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन इसे कोई नहीं टाल पाएगा, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जय माता भद्रकाली, जय बाबा काल भैरव अवश्य लिखिएगा। माता भद्रकाली और बाबा काल भैरव आपके जीवन से सभी समस्या, सभी परेशानी, सभी दुख तकलीफ जड़ से खत्म कर देंगे, अगर आप सच्चे दिल से सुबह शाम उनका नाम लोगे तो। दोस्तों, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ आने पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। जिस दिन आपको अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे कि हम छोटे मोटे काम करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, उस दिन से आपके घर के अगल बगल, आजू बाजू के सभी चीज़ें बदलने लगेंगी। जी हाँ, क्योंकि आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका कर्म तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो और कहाँ तक आप अपने जीवन में जा सकती हो। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कहिएगा, गुरुजी आपने एकदम सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटना होंगी जिससे आपको लाभ होगा, और साथ ही साथ जानेंगे अगले 3 दिनों में इन बदलती ग्रह गोचर आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, व साथ ही साथ बेरोजगार और युवा लोगों के लिए समय कैसे रहेंगे, कौन से लाभ होंगे, कौन से फायदे होंगे, सब कुछ जानेंगे ग्रह गोचर के आधार पर। वृश्चिक राशि वालों, इस समय आपका अटका हुआ सभी काम बड़े ही शांति और कुशलता के साथ निपटेगा। इस समय प्रॉपर्टी की लेन देन की योजना बनेगी, लेकिन सावधानी बनाए रखें, अन्यथा लापरवाही की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य जो है छूट सकता है। बच्चों की गतिविधियों तथा दोस्तों पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। जी हाँ वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य करें। मीडिया, शेयर्स, कंप्यूटर आदि जैसे संबंधित व्यवसाय सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होंगी, नौकरी पेशा लोगों को कोई खास अथॉरिटी मिल सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचाने तथा अपने किसी विशेष कार्य के प्रति उनका उपयोग करें।
अवश्य ही आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। घर में समाज साज सज्जा संबंधी गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। काम की अधिकता की वजह से आपको शारीरिक और दिमागी थकान हो सकती है, इसलिए अपने काम को अन्य लोगों के साथ बांटना सीखें, जिससे आपका कार्यभार हल्का होगा। दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि इससे आप अपना ही नुकसान कर सकते हो। व्यवसाय संबंधित कोई भी खास निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, इससे व्यस्तता उत्तम बनी रहेगी। आर्थिक मामलों पर किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझौता करें, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। इस समय आपसी संबंधों को मजबूत करने में आपका विशेष ध्यान रहेगा। पढ़ाई कर रहे लोगों का ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा और किसी लक्ष्य हासिल करने में सक्षम भी रहेंगे। बजट को ध्यान में रखकर खर्च करने से फाइनेंस संबंधित समस्याएं नहीं रहेंगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, यह समय किसी भी गतिविधि को बहुत अधिक सोच समझकर संपन्न करने का प्रयास करें। आप किसी षड्यंत्र अथवा विरोधाभास की स्थिति में फंस सकते हैं। इस समय कोई भी यात्रा करना परेशानीदायक रहेगी। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बावजूद भी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे, इसलिए अभी आपको शांति से और धैर्य से काम लेना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करना अभी दिक्कत रहेगा। यात्रा को फिलहाल स्थगित रखना आपके लिए उचित रहेगा। युवाओं को शोध अध्ययन अनुसंधान जैसी गतिविधियों में उचित उपलब्धि हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, व्यापारिक उतार चढ़ाव से कुछ राहत मिलेंगे और परिवारजनों के साथ मौज मस्ती और शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा। रोमांस और प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय घर में निकट संबंधियों के आने से सुखद माहौल रहेगा। समाज में भी आपकी योग्यता और काबिलियत की सराहना होगी। इस समय शेविंग जैसी गतिविधियों में भी फायदेमंद स्थितियां बनी रहेगी। धार्मिक आयोजन भी संभव है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय संयमित व्यवहार व दिनचर्या रखें। ससुराल पक्ष से कुछ शिकायतें रह सकती है, परंतु संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए खुद के प्रयास भी जरूरी हैं। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज कर दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति विमुख होंगे और कारोबार बढ़ाने के लिए तरीकों को अपनाना जरूरी है। कामकाज में गोपनीयता का भी ध्यान अवश्य रखें। प्रतिस्पर्धा के दौर में जो है व्यवसाय के प्रति पूरी तरह से चौकन्ना भी रहना जरूरी है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, और इस समय कुछ नवीनकरण साज सज्जा को लेकर कुछ विचार विमर्श रहेगा तथा पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा। कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट बनाए रखना होगा। जी हाँ, आर्थिक दिक्कतें से बच पाएंगे। इस समय अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है, परंतु कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए अपने विचारों पर मनन करते रहें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें बेचैनी और चिंता रह सकती है। व्यवसायिक कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आज आपको कोई बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परेशानी होगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को आज काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है, जो कि आने वाले समय में आपको लाभ देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अधिकतर काम मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते जाएंगे। नज़दीकी मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत रहेगा। साथ ही आप आराम करने तथा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। जी हाँ,
विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के व्यवधान दूर होंगे। वही दोस्तों आपको बता दें, जल्दबाजी और भावुकता के लिए लिए गए निर्णय आपको परेशानी में डाल सकती है। वाहन अथवा घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे, कुछ आर्थिक समस्याएं आएंगी। समय पर धैर्यपूर्वक जो है आपको कार्य करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, यह समय व्यक्तिगत समस्याओं को व्यवसाय में हावी न होने दें। इस समय कार्य क्षेत्र की व्यस्तता को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय देने की जरूरत है। युवाओं को अपनी पहली इनकम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा का प्लान बन सकता है। आज आप जो भी काम अपने मन में सोच लेंगे कि ये काम मुझे करना है, तो वो काम आज आप करके ही रुकेंगे। चाहे आपके रास्ते में कितनी ही परेशानी, कितनी ही बाधाएं, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन आप अपनी सोच से आगे बढ़ते रहेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज आपके घर धन दौलत की आवक बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुबेर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, यानी कि धन दौलत रुपये पैसे में आज आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। जो लोग धन का कार्य, निवेश का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज के दिन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो लोग धन का इधर उधर कहीं पर भी निवेश करते हैं। कुछ नए संपर्कों से आज आपके लिए लाभ लेकर आएगा। बिजनेस में कुछ नए सोर्स से धन लाभ कमाने के कामयाब रहेंगे, लेकिन अजनबी लोगों से आज आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वो कोई गलत सलाह दे सकता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आज आप अनजान लोगों पर ना ही ज़्यादा विश्वास करें और ना ही उनसे कोई सलाह मांगें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी सुख सुविधा बढ़ेगी, घर के माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपका किसी चल अचल संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, आप कोई काम जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो वो काम गलत हो सकता है। अगर आप कोई काम करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो आप अपने घर के पूरे फैमिली के साथ मिल बैठ कर सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद कामों की शुरुआत करें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वैसे तो भाग्य आज आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, लेकिन आपको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी और पारिवारिक समस्याओं को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। जी हाँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये परेशानियाँ जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बिजनेस कर रहे लोग, देखिए, व्यवसाय से मन मुताबिक लाभ कमाकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की प्रयास करेंगे, आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा, तभी आपके काफ़ी सारे काम समय पर पूरे हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज के दिन आपको वरिष्ठ सदस्यों से आदर व मान सम्मान भाव बनाए रखना होगा। कुछ सरकारी कार्य में जुड़कर आज आप अच्छा नाम कमाएंगे और आपके कुछ परिजन आज आपसे मेल मुलाकात करने आ सकते हैं। आप किसी मामले में अति उत्साहित होकर आगे ना बढ़ें। जी हाँ, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको किसी नई योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा और आप अपने माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा, देव दर्शन की यात्रा पर लेकर जा सकती हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और आपको भी कई प्रकार की समस्याओं से, कई प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप संतान की तरक्की देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और परिवार में आप कुछ अनुसंधान बनाए रखें, नहीं तो लोग गलत राह पकड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बारे में कुछ गलत बातें फैला सकता है और पीठ पीछे कुछ गलत बातें बोल सकता है।
और किसी कानूनी मामले में आज आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई समस्या खड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सितारे ऐसा हमें संकेत दे रहे हैं, अगर आप लापरवाही करेंगे आज के दिन खासकर, तो आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन साथी से कोई वाद विवाद या वचन कर सकते हैं और नए कार्यों को आप बढ़ावा देंगे। आपका कोई मित्र आपसे किसी बात को लेकर बहसबाजी में पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बातों को जो है नज़रअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। आज का दिन रचनात्मक कार्य में गति लेकर आएगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम होने से व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण से अपने कुछ कामों को कल पर टाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पर तो आपको सुधार करनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे गुरुजी कहते हैं, कल करो शो आज, आज करो शो अब, पल में प्रलय होए बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि पल में प्रलय होता है, इसलिए जो काम अभी हो जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। अगर आप सोचेंगे ये काम हमें बाद में करनी है, बाद में करेंगे, तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो काम उसी समय के लिए होता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों कामों को टालने का प्रयास ना करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आप सभी के साथ मान सम्मान बनाए रखें और आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा। आपको सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और व्यवसाय कर रहे लोग किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें आज के दिन। जी हाँ, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, आज का दिन लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। आप अपने बढ़ते खर्चों पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश करें और आपको अपने माता पिता से यदि कुछ संपत्ति संबंधित मदद मांगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप अपने व्यवसाय में मंदी को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आज वह भी दूर होंगी और आपका कोई परिजन आपसे कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपके घर का पूरा माहौल खुश रहेगा और जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, तो उनका बात जरूर मानिए, आपको उसमें लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, दिन आपके लिए शांति से भरा रहने वाला है, आज के दिन का हर एक पल का आनंद लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि दिखावे के चक्कर में कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आगे चलकर आप ही को परेशानी होगी। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आधुनिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लोग मान सम्मान देंगे, इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे वो लोग भी अब आपसे बात करना पसंद करेंगे। जी हाँ, आप अपने नौकरी में ट्रांसफर मिलने से थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन बाद में आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, और एक नई सोच से आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर आपको कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है, उस कामों से आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उस काम को दूसरे ढंग से करने की आवश्यकता है। जी हाँ, वही काम में आपको फिर से लाभ होने लगेगा। आपको घूमने फिरने के द्वारा कोई नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आप छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती हैं, जो कि यात्रा आपके लिए लाभदायक एवं स्वस्थ रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और किसी भूमि भवन आदि मकान आदि की खरीदारी करते समय आप अपने सावधानी बरतें, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम करें तो आप लिखित के साथ करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपने घर की साज सज्जा आदि की ओर विशेष ध्यान देंगे, लेकिन यदि आपने पहले से किसी को धन उधार दिया हुआ था तो आपको वह वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति
मजबूत होगी और आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप उसी पर भरोसा करें जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ, दूसरों की बातों में अगर आप लगेंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कत और परेशानी हो सकती है और कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको मित्रों का पूरा पूरा साथ मिलेगा और भाईचारे में आप पूरी रुचि दिखाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी और जन कल्याण की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी। आपको अपनी किसी काम के समय से पूरा न होने के कारण समस्या हो सकती है। जी हाँ, और आप कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भी सम्मिलित होंगे जहाँ आप अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। यदि आप कोई धन उधार मांगे तो आप उसे देने से पीछे न हटें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम लग रही है, इसलिए दोस्तों आज के दिन अगर आप किसी को धन उधार दे रहे हैं तो सोच समझकर ही दीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज के दिन आप अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकती हैं, उसमें बहुत ही सोच विचार और आपके अपने करीबियों से नज़दीकियाँ बढ़ेगी। आप अपनी अच्छी सोच का कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था तो वह आज के नए व्यक्ति की मुलाकात से सुलझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग आज बजट की योजनाओं में पूरी रुचि दिखाएंगे। जी हाँ, और आगे चलकर आपको बहुत लाभ होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए रहन सहन के स्तर में भी सुधार लेकर आएगा। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकती हैं। जी हाँ, आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, कला कौशल में आज वृद्धि होगी और आप लोगों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी। परिवार में किसी सदस्य के देखिए स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को यदि आपने नज़रअंदाज किया तो बाद में वो कोई बड़ी बीमारी बन सकती है और आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आपको एक दूसरे की अधिक से अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आज आपको जल्दबाजी में लिए गए काम की समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए लापरवाही और जल्दबाजी करने से बचिएगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उसे उतार पाने में मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक बजट बनाकर चलें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का समस्या करना पड़ सकता है। जी हाँ, कुछ ठगी व जो है सफ़ेद पोश वाले लोग से आज आपको परेशान हो सकती हैं, इसलिए दोस्तों उन सभी लोगों से आज आपको दूरी बनाकर चलना ही बेटर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।